सो हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोआ व्लॉग। और अभी कुछ बज रहा है दोपहर के 12, हमारा व्लॉगिंग का टाइम दोपहर का टाइम। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ तुषार भाई के यहाँ पे, क्योंकि अपना जो रैप है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ आपकी भाई, लोगों को मतलब पसंद भी आ रही है और नहीं भी आ रही है पसंद। और पर्सनली मेरा भी ओपिनियन ऐसा ही है, कभी कभार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कभी कभार ओके ओके सी लगती है। रैप कैसा बार बार निकल रहा है मेरा, अभी देखो ये वाला ही पार्ट देखो, ऐसे ही माइनर माइनर से पार्ट निकल रहे तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो अभी मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि थोड़े दिन में ये रैप रखूँगा, उसके बाद चेंज कर दूँगा। तो फिलहाल तो अभी मैं तुषार भाई के यहाँ पे ये सब ठीक कराने जा रहा हूँ, जितने भी माइनर माइनर से प्रॉब्लम है सब ठीक कराने जा रहा हूँ, और फिर एक महीने बाद मैं ये रैप चेंज कर दूंगा। पूरी गाड़ी अपनी ब्लैक मेट हो जाएगी जैसे थी, और इसके ऊपर ग्राफिक लगेंगे, ग्राफिक मतलब स्टिकर लगेंगे, इतनी सारी ग्राफिक नहीं होगी जो भी हुई है। तो गाइस आज है डे 2 और आज हम जा रहे हैं तुषार भाई के पास फिर से, क्योंकि अपना जो रैप का काम था वो कल हुआ नहीं था, इसलिए आज हम फिर से जा रहे हैं। तो तुषार भाई ने बोला था कि 5 बजे आ जाना भाई, तो जितना भी काम है सब हो जाएगा। तो अभी अपने पास एक आध घंटा है, तो मैं सोच रहा हूँ विली प्रैक्टिस कर लूँ तब तक, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो गाइस अभी मैंने दर्शन को ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं आरए कॉलोनी के रोड पे, क्योंकि वही अभी एक रोड है जो कि पूरा खाली और बहुत ही अच्छा रोड है, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेंगे जितना हमसे होएगा। और आज तो मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि मैं सेकेंड गियर डालूँ, क्योंकि अभी मैं अभी कैसा सीन है कि मैं विली उठा लेता हूँ और पहला गियर पूरा मतलब स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं। तो अभी शिफ्टिंग का टाइम आ गया है मेरा कि मतलब अभी मैं शिफ्ट करूँ गियर में, तब जाके और लंबी विली मार पाऊँगा मैं। तो समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस लगेगी उसके लिए, और अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं। ये सब करने के लिए हम लोग कितने खाली जगह पर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है क्योंकि वो रोड पूरा बंद है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, तो जिसके वजह से गाड़ियाँ वाड़ियाँ आने का तो सवाल ही नहीं बनता, और वहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि आरए कॉलोनी एक जंगल है। आप सभी को तो मतलब जो यहाँ के उनको तो पता ही है, जो बाहर के उनको बता दो। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करते हो ट्राई करते हो तो पब्लिक प्लेस में प्लीज़ मत करना ये सब चीज़, ऐसी जगह पर करो जहाँ पर तुमको भी कोई परेशानी ना हो और बाकी तुम्हारे वजह से किसी और को भी परेशानी ना हो। और लोग विली प्रैक्टिस करते भाई होंडा में पल्सर में, तुम्हारा भाई शुरुआत से ही भाई ड्यूक पे, ड्यूक ड्यूक है यार, विली बोल लो, ट्रैफिक बोल लो, ऑफ रोड बोल लो, हर चीज़ में मतलब टूरिंग बोल लो, हर चीज़ में मतलब कंफर्टेबल है भाई, अपना बना लेती है कोई भी सिचुएशन में। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारे एकदम खाली रोड में, और देखो यहाँ पे लोग यू टर्न मार मार के आ रहे क्योंकि रोड ही बंद है। ये देखो क्या प्यारा रोड है यार, और आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके वजह से गाड़ियां बुरी घूम घूम के आ रही है। बंदे बंदे कैसी लगी भाई लोग विली पावर दी ना, इधर भी रिएक्शन देखो। तो गाइस पहला गियर का तो पूरा कंफर्मेशन आ गया कि भाई पहला गियर अपना मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, और दूसरा गियर का भी फील थोड़ा थोड़ा आया, मतलब एक दो बार मैंने दूसरा गियर भी डाला पर गाड़ी फटाक से नीचे आ गई, पर ठीक है दूसरा गियर एटलीस्ट मैं डाल तो पा रहा हूँ, न्यूट्रल नहीं हो रही है, दूसरा गियर बराबर पहुंच जा रहा है मेरा। बस इतना है कि अभी मेरे को एक्सीलेटर पे कंट्रोल सीखना पड़ेगा दूसरे गियर के लिए, और एक बार मैंने मतलब कंट्रोल और शिफ्टिंग सीख ली ना भाई, फिर तो तीसरा चौथा पांचवा सब गियर डालेंगे भाई और लंबी लंबी विली मारेंगे, और उतना तो मेरे को मतलब सीखना है कुछ भी करके। तो गाइस फाइनली इतने धूप और इतने ट्रैफिक झेलने के बाद हम पहुँच गए तुषार भाई के यहाँ पे, तो चलो तो चलो गाइस अपने जितने भी काम थे सारे कंप्लीट हो गए। ये देखो अभी कैसा लग रहा है आपको, पूरा एकदम परफेक्टली तुषार भाई ने हमको रैप वैप पूरा बराबर से करके दे दिया, और मतलब भाई पैसे भी नहीं लिए यार, मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दिया, बहुत अपना अच्छा काम भी है
बहुत मतलब अच्छा काम है और सर्विस भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ प्रॉब्लम रहती है तो टचअप भी कर देते यार बिना बोले। तो अगर आप लोगों को भी कराना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर इंस्टा आईडी सब कुछ दे दिया है। इनका शॉप बराबर ओबेरॉय मॉल का जो हाईवे रहता है वो नीचे से लेना है सर्विस रोड से और फिर लेफ्ट मार लेना। लेफ्ट मारते ही चौथी पांचवी दुकान है इनकी एसबी आर्ट्स करके, बराबर सिग्नल से लेफ्ट मारते ही। तो अगर काम आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर से आना। और अभी तो मैं मतलब थोड़े दिन बाद वापस से रैप भी चेंज करा रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मेरे को ब्लैक मेट कराना है, मतलब ब्लैक मेट के ऊपर ग्राफिक्स कराना है। तो तुषार भाई ने बोला 2-3 महीना रख, इसके बाद अपन करते ना। तो तुषार भाई को तब तक मैंने बोला अच्छा कुछ डिज़ाइन सोचने के लिए, तो अपने तुषार भाई अच्छा कुछ डिज़ाइन सोचेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 2-3 महीने बाद। बस मजा आ गया ना, तो बस ब्रो चेक रावस। तो ब्रो बस क्या कट्टर वाले सब्सक्राइबर है, पूछो इसको ये जब स्टोरी ये पीछे देख रहे हो आईवाई में जब स्टोरी वगैरह डाल लेगा ना तभी से ही मैं इसको पूछा भी कौन है ब्रो दोस्त है क्या ये, फिर योगेश वाली है ना वो उन लोग भी बोले मेरे को। तो बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आज का व्लॉग इतना ही रखता है। होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। बस मिलते हैं ऐसे ही आने वाले एक मस्त व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।